जनादेश 2015 आ चुका है बिहार में। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पांचवी बार, और ये एक स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा जनादेश महागठबंधन के पक्ष में, 173 महागठबंधन के पक्ष में और 63 एनडीए के पक्ष में अभी ट्रेंड कर रहा है। बढ़त के साथ महागठबंधन 173 का आंकड़ा, नतीजे पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं लेकिन नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से, जेडीयू के पूनम यादव 25,835 वोटों से जीत गई हैं। अरवल से आरजेडी के रविंद्र सिंह की जीत हुई है, सुपौल के ढाकापुर से बीजेपी के नीरज बबलू की जीत हुई है। लगातार नीचे भी आप देख रहे हैं उन चेहरों को और नाम को जो आगे या चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं या फिर जीत चुके हैं। लवली आनंद पीछे चल रही हैं हम सेकुलर पार्टी से, इसके अलावा लेसी सिंह आगे चल रही हैं। अरवल से आरजेडी के रविंद्र सिंह ने बाजी मारी है। तो हम आपको लगातार बता दें कि 173 और 63 का फासला है। छातापुर से नीरज बबलू को जीत मिल गई है। इसके साथ ही जो महाचंद्र प्रसाद सिंह है वो पीछे चल रहे हैं। हम के उम्मीदवार कल्याणपुर से बीजेपी आगे है। चेनारी से आरएलएसपी के लरन पासवान को जीत मिल गई है। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ नीतीश आवास के सामने लोगों का हुजूम, कार्यकर्ताओं का हुजूम, जब से महागठबंधन ने बढ़त बनानी शुरू की तब से ही लगी थी। उसके बाद पहली बार नीतीश कुमार बाहर निकले, लगातार अंदर बैठे हुए थे, गहन चर्चा करते रहे, फोन से बातचीत करते रहे, अपडेट्स लेते रहे। और अब जबकि साफ हो चुकी है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, आवास के साथ मौजूद थे, उनसे मिले, उनके अभिवादन को स्वीकार किया, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो यार। और बिल्कुल आखिरी चरण का जब चुनाव खत्म हो गया 5 तारीख को सुबह, तो उसके बाद से नीतीश ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, देख रहे थे, तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। और पहली बार ये बाहर निकले हैं जनता से मिलने के लिए इतनी बड़ी जीत के बाद, इतनी भारी जीत के बाद। हालांकि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम तय है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ बयान देंगे नीतीश कुमार। लेकिन आप हुजूम देखिए, कैमरा की भारी, जो कैमरों की भीड़ है, तमाम संवाददाता वहां पर जुटे हुए हैं। और ये नज़ारा जो नज़र आ रहा है, इतनी बड़ी जीत के बाद का नज़ारा, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरे हुए तमाम कार्यकर्ता और मीडिया के तमाम कैमरे। वो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे 4 बजे, लेकिन अभी फिलहाल वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से जिनकी मेहनत के बूते इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि उम्मीदें एक बार फिर से नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए वोटरों ने, जब बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर ही एक बार भरोसा जताया है, फिर से नीतीश कुमार से ही उम्मीद लगाई है, तो वो उम्मीद और ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर बहुमत ज़्यादा आता है तो उम्मीदें भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं, जनता की चुनौतियाँ भी उसी लिहाज से ज़्यादा होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के सामने अभी उम्मीदों का पहाड़ है, जनता की उम्मीदों का पहाड़ है। वो उम्मीदें उन्हें पूरी करनी है, वो भी गठबंधन की सरकार चलाते हुए। अब ये वो भी तब जबकि जेडीयू आरजेडी के मुकाबले कम सीट लेकर आई है, आरजेडी की सीटें ज़्यादा हैं, तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़रूर रहेंगे, लेकिन पार्टी जहाँ जिस पार्टी की सीटों की संख्या ज़्यादा है महागठबंधन में, वो आरजेडी रहेगी। बिल्कुल। और सुमित, कहीं ना कहीं ये साख से जुड़ा मसला भी था नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि पूरा जो कैंपेन चला महागठबंधन का वो नीतीश के चेहरे के साथ चला और फेस निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का था हर जगह, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू के तमाम नेता हो, सबने एक सुर में कहा कि चुनाव अगर जीतेंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो 10 साल का कामकाज था उसको कैश करने की कोशिश की गई और जनता ने उस पर भरोसा किया। तो चुनाव की जो जीत है और जो चुनाव की हार है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मायने अगर किसी के लिए रखती थी तो वो नीतीश कुमार के लिए है। और वही नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है। भारी जीत के बाद जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सीएम आवास के बाहर जुटे हुए हैं और मुख्यमंत्री, कितनी परेशानी हो रही है इन तस्वीरों में आप देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री उनके बीच से ही देखिए ये अंदाज जी
वो बिल्कुल ऊपर थोड़ा आज उस वहां पर कुछ क्योंकि कार्यकर्ताओं को देख नहीं पा रहे थे ना कार्यकर्ता उन्हें देख पा रहे थे, तो चाय पर आ गए हैं और अब हाथ हिलाते हुए ये मेरे ख्याल से ये तस्वीर राजेश इसलिए ऐसा नहीं है कि जीत पहली बार नीतीश कुमार को हासिल हुई है, पांचवी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 2010 में भी प्रचंड बहुमत इन्हें मिला था बीजेपी के साथ, लेकिन इस बार जो 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 एक उत्साह नजर आ रहा है, जो कार्यकर्ताओं की इस तरह से उम्मीदें नजर आ रही हैं नीतीश कुमार से, और ये हुजूम ये बताता है कि इस बार नीतीश कुमार को 2010 के मुकाबले कहीं ज्यादा उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती रहेगी नीतीश कुमार। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था जेडीयू को, और चुनाव से ठीक पहले सुमित फैसला लिया था नीतीश कुमार का ही फैसला था बीजेपी से अलग होने का, और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी ठहराई जा रही थी, सब लोग कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कि अगर बीजेपी से अलग होने का जो फैसला था नीतीश कुमार का गलत फैसला था, तो कहीं ना कहीं इनकी साख भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं साख पर लगी थी कि अगर इस बार का चुनाव भी नीतीश हारते हैं तो फिर यही सवाल उठता कि क्या बीजेपी को का साथ छोड़ के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने गलती की। और उस अब जबकि नए समीकरण बने हैं बिहार में, आरजेडी के साथ मिलकर जेडीयू ने चुनाव जीत लिया है, तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि फैसला गलत था, कहीं ना कहीं जो नीतीश का डिसीजन था उसको दूसरे तरीके से अब देखने की कोशिश होगी, और यह भी कहा जाएगा कि जो नए ध्रुवीकरण है, नए सामाजिक समीकरण है, नए राजनीतिक समीकरण है बिहार के अंदर हमें लगातार देखने को मिलेगा। देखिए कितनी परेशानी हो रही है सुरक्षा कर्मियों को, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह, मुख्यमंत्री तमाम बैरिकेड्स तोड़कर वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ रही है सुरक्षा कर्मियों को। नीतीश कुमार किसी को निराश नहीं करना चाह रहे हैं, उन्हें पता है कि ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में मेहनत की और नीतीश कुमार के कामों का प्रचार किया, और नीतीश कुमार के कहने पर लालू यादव के साथ आ गए, वो आरजेडी जिनके खिलाफ कभी जेडीयू के कार्यकर्ता लड़ते थे, लेकिन दोनों कार्यकर्ता एक साथ आए, एक साथ चुनाव लड़े और इतनी बड़ी जीत हासिल की, 173 आप देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है राजेश, 190 का आंकड़ा मुझे जो लालू जी की भविष्यवाणी थी, जो दावा था, बहुत अनुभवी नेता हैं और अनुभव उनका रहा है, तो इस लिहाज से एक पकड़ उनकी रही होगी, 251 चुनावी रैलियां की उन्होंने, और ये अंदर चले गए 7 सर्कल रोड, एक अणे मार्ग में शिफ्ट ज़रूर इस बार पूरी तरह से होंगे, क्योंकि मांझी जब हटे और यहाँ नीतीश कुमार बने तो उसके बाद से एक अणे मार्ग में पूरी तरह से नहीं गए नीतीश कुमार, सर्कुलर रोड से ही वो सरकार चलाते रहे, एक अणे मार्ग में जनता दरबार वो लगाते रहे, लेकिन इस बार उम्मीद की जानी चाहिए कि एक अणे मार्ग में वो शिफ्ट हो जाएंगे। बयानबाजी की अगर बात कर लें सुमित, तो जिस तरीके से तमाम लोगों की बिहार चुनाव में जो तमाम लोगों ने अपने बयान दिए, नीतीश कुमार जो यादा है, और कोई ऐसा विवादित बयान नीतीश कुमार की तरफ से सुनने को नहीं मिला जिस पर कुछ चर्चा किया, जिस पर कुछ विवाद हो, शैली है नीतीश कुमार की, ये शैली उन्होंने वो इन चीजों पर बहुत सधे हुए अंदाज में सधी हुई टिप्पणी करवा नहीं किया, और बाहर अब आए हैं ये जीत की विक्ट्री के साथ, जीत का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, और इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद आकांक्षाएं उम्मीदें बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ी होंगी, कहीं ना कहीं इतना तय है कि इस बार नीतीश कुमार को भी पता है, उन्हें भी पता है कि ये 5 साल न सिर्फ उन्हें जो अपने आलोचकों का जो आरोप है या आलोचकों की बातें हैं कि लालू जी के साथ मिलकर ये विकास नहीं कर सकते, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, आरोप लग रहा है, और उस आरोपों को गलत साबित करना होगा नीतीश कुमार को, वो बातें गलत साबित करनी होंगी, और ये बताना होगा कि वो अपनी इमेज, अपनी विकास पुरुष की छवि से कहीं भी समझौता नहीं करेंगे और विकास के रास्ते पर ही आगे चलेंगे। और कहीं ना कहीं उस चुनाव में जिसमें लगातार जंगल राज की बात की गई हो, लगातार घेरने की कोशिश की गई हो, और उससे उस चक्रव्यूह से जो सियासी चक्रव्यूह था, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं अमित शाह, कहीं ना कहीं उनके बनाए गए तमाम चक्रव्यूह को तोड़कर निकलने में कामयाब रहे नीतीश कुमार, और ये तस्वीरें उत्साह की, उमंग की तस्वीरें, और कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाती हुई तस्वीरें। हम आपको बता दें कि महज 17 महीने पहले चुनाव हुआ था लोकसभा का, और करारी हार झेलने को मिली थी, महज 2 सीटें मिली थी जेडीयू को, और
तमाम सीटों पे उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी लोकसभा के चुनाव में, आज और आज उन्होंने जीत में बदल दिया है उसको, उस चुनौती को। और जाहिर सी बात है कि एक मैनेजमेंट रहा और कहीं ना कहीं नीतीश ने एक रणनीति बनाई जिसमें उनको कामयाबी मिली। और सबसे बड़ी चुनौती थी सुमित की आरजेडी और जेडीयू के वर्कर को एक साथ लाना एक मंच पर, और ऐसा लग रहा था कि शायद ना हो पाए, ये असाध्य समीकरण साधना संभव नहीं है, क्योंकि जेडीयू का गठन ही आरजेडी के विरोध करने के लिए हुआ था। तो हालांकि पार्टी तो जेडीयू पहले से थी, लेकिन उसका जो तमाम नए कार्यकर्ता बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के साथ पार्टी आगे बढ़ी, तो उनका एक ही मकसद था लालू का विरोध। उसके बाद जिस तरीके से दोनों साथ आए और पहले विलय की बात चली, विलय नहीं हो पाया, फिर मुलायम सिंह पीछे हट गए, और उसके बाद जो उन कार्यकर्ताओं को और उन लोगों के समर्थन को वोट में बदलना, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिली, और यही वजह है कि ये नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये नज़ारा 176 के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार, बहुत बुरी तरह से बीजेपी की हार हुई है। तमाम जो वो कयासों के बाज़ार गर्म थे या तमाम अटकलें थे, तमाम चुनावी पंडित या तमाम विश्लेषक बहुत हद तक आज भी सोच रहे होंगे कि आखिर कहाँ अनुमान लगाने में चूक हो गई। जी, बीजेपी सोच रही है कहाँ गलती हुई, लेकिन बिहार में दरअसल ये कहा जाता है कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर होते हैं, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत, या फिर क्या कौन उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर कौन क्या उनके साथ बात कर रहा है, कौन विवादित बयान दे रहा है, वो सुनते हैं। और इस बार के वोटर चुप थे और लगातार सुन रहे थे उन बातों को। लेकिन इतनी बड़ी जीत महागठबंधन को, 176 तक आंकड़ा ट्रेंड कर रहा है। जी, 177 हो गया अब। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम आपको ये भी बता दें सुमित, कि जिस तरीके से हम लोग ने देखा कि जो भी जिन सर्वे ने बढ़त दी थी इसको महागठबंधन को, उन्होंने भी ये कहा था कि महागठबंधन भले ही सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी होगी। लेकिन देखिए कि किस तरीके से बीजेपी तीसरे नंबर पर चली जाएगी बिहार विधानसभा में, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, उसके बाद जेडीयू और फिर बीजेपी, और उसके बाद भी जो सीटों का डिफरेंस है वो काफ़ी, यानी 20 से ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं आकलन इस बार गलत हुआ है, और जो सर्वे आए थे इस बार 2010 में देखें बिल्कुल तो सही साबित नहीं हुए। 2010 में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी सेकंड, आरजेडी थर्ड, और 91 और 22 का अंतर था बीजेपी और आरजेडी के बीच में, यानी दूसरी और तीसरी पार्टी के बीच। बिल्कुल, उसको काटते हुए 22 से पार करते हुए सीधे बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी सीधे ऊपर चली गई, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन गई है, जेडीयू सेकंड और बीजेपी थर्ड पार्टी। ये बीजेपी के लिए सोचना होगा कि क्या 26 रैलियां कर लेने भर से चुनाव जीत सकते हैं, क्या मांस के मुद्दे पर बयान उन्हें ले डूबा, और क्या वक्त आगे तो बयान देने बचने की दी जाए, नसीहत दी जाए। जब जाता था अमित शाह बुलाते थे, लेकिन उसका भी असर नहीं। ये मेरे ख्याल से सोचना होगा कि क्या वाकई इस बयानबाजी से, इस तरह के बयानबाजी से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि तो बिहार के लोग या जी बिल्कुल। और ये ट्रेंड देखिए, 177 बंधन का आंकड़ा, सीटें के कुनबे भी दिख रहे हैं, तो जैसे ही नतीजा, तो ये हालांकि 60 का आंकड़ा फिलहाल हो गया है, और अन्य सीटें महज मिलती अन्य को सीधा एक तरफ दूसरी तरफ के खाते, 7 सीटें, जबकि कई ऐसी पार्टियां थी जो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी जुगत लगा, शानदार विक्ट्री के लिए धन्यवाद कह रहे हैं अपने तमाम समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, एक बड़ी जीत एक बार फिर से हासिल की है। तो 25 साल से बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी का राज है, और 5 साल और उसमें ऐड हो गए हैं, यानी कि 30 साल की बात होगी सुमित। अब जब भी हम लोग चर्चा करेंगे, जब भी कोई पैनल आएगा, वो यही कहेगा कि 30 साल से, 10 साल जोड़ी नहीं थी। जी, 10 साल नीतीश अलग बीजेपी के साथ, और 15 साल लालू अलग, लालू अलग थे। ये पहली बार बिहार के लिए भी एक टेस्ट होगा, नीतीश लालू के लिए भी एक टेस्ट होगा, दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे।